नमस्कार, मेरी गमादो और आप सभी का स्वदेशी न्यूज पर स्वागत है। आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जो कि है सर दोर्जी वांगी खामा जी, जो कि है फिफ्थ खलाकतंग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के विधायक। चलो चल के हम आप सभी को मिलाते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका स्वदेशी न्यूज पर स्वागत है। थैंक यू। वैसे तो सर सभी आपको जानते हैं, पर भी मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय दे दें हमारे ऑडियंस को। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं स्वदेशी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम है दोर्जी वांगी खामा। मैं फाइव कलकत्ता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की विधायक हूँ और फाइव कलकत्ता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एक वेस्ट कमिंग के एक जगह में है और अरुणाचल प्रदेश के। तो सर मेरा आज आपसे कुछ सवाल है, तो क्या आप तैयार हो सवाल का जवाब देने? कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, तब तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि जब से आप विधायक बने हैं, आप जो खलाकतंग के विधायक बने हैं, तब से लेके अब तक आपने किस किस तरह के डेवलपमेंट लाए हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं विधायक बना 23 मई 2019 को, और जब से मैं बना कोशिश किया है कि प्रोफेसर वगैरह बना के जैसे अरुणाचल प्रदेश हमारा चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया। इसके बाद सबमिट करने के बाद जो जो मेरा डिमांड था, जो मैं चाहता था कुछ मतलब ऐसे चीज़ हो जो कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी ना हो नहीं था, तो ये सब मैंने कोशिश किया। और साथ साथ में हमारा अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने मुझे काफ़ी मदद किया, जैसे कि हमारा है कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे पहले तो एक मीटिंग हॉल, बड़ा बात है कि एक मीटिंग हॉल भी नहीं था, तो उसके मैंने कन्वेंशन हॉल के नाम से अरुणाचल प्रदेश सीएम को रिक्वेस्ट किया। वहाँ से 5 लाख हमें सबसे पहले 5 करोड़ का वहाँ में हमें अप्रूव किया है, वो बन के अभी तैयार है, कम्प्लीट हो गया। इसके बाद हमने देखा है हमारा कलकत्ता और रूपा शेरगांव जिगांव में जितना भी रास्ता बहुत हालत ख़राब में था, बहुत सालों से रूपा टाउन और कलकत्ता टाउन के जो रास्ता काफ़ी ख़राब स्टेशन में था, तो उसको भी मैंने रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए और वाइडनिंग के लिए अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर से मांगा है। तो अरुणाचल प्रदेश चीफ सीएम ने हमको रूपा के लिए 9 करोड़ और कलकत्ता के लिए 13.5 करोड़ मुझे अप्रूव कर दिया, और वो रास्ता काफ़ी बहुत वाइडनिंग भी किया और वो जो वाल आपका विंग्स वगैरह बनाया और काफ़ी वाइडनिंग करके रास्ता पूरा सुंदर से बन गया। बस अभी थोड़ा सा बाकी है, वहाँ ब्लैक टॉपिंग करना बाकी है, ब्लैक टॉपिंग के साथ देखने का लायक रहेगा। इसके बाद भी मैंने एक सपना था कि हमारे कलकत्ता टाउन से लेके मोर्शिंग ठो आपका जो हाईवे के साथ में मंडला बुदुंग में जो ट्रांसपोर्ट है, बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है, उसको भी मैंने सीएम साहब से अनुरोध किया, वो भी मुझे 20 करोड़ का अभी फिलहाल फर्स्ट फेज का 20 करोड़ का टिकट के वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है। इसके अलावा भी अभी हमने देखा है कि हमारे यहाँ में कलकत्ता और रूपा में एक सब डिविज़न है, दोनों एक अलग अलग सब डिविज़न है, उसमें आपका एक रस्तम या मिनी स्टेडियम नहीं था, तो उसको भी मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया, तो सीएम साहब ने वो भी 5 करोड़ का मुझे अप्रूव कर दिया, तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों, अभी रस्तम भी बन गया है और ये दोनों तरफ में बन गया, रूपा भी कलकत्ता दोनों में बन गया। अभी वो आदमी जो गैलरी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, वो भी काफ़ी मिले, मुझे आशा है काफ़ी जो भी मुझे मैंने मांगा है काफ़ी अप्रूव किया है, मुझे सेटिस्फाइड है काम। अभी और भी बहुत सा काम है जो जल जीवन मिशन के अंदर में है, लाइटनिंग का जो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत काफ़ी है, वो चल रहा है अभी काम अंदर में। अच्छा सर, इतने कम समय पे इतना ज़्यादा आपने डेवलपमेंट लाया, सुनकर बेहद अच्छा लगा। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आप देख रहे हैं जैसे कि सीएम पेमा खांडू जी के जब से बीजेपी सरकार आए हैं, तब से विधायक और कैबिनेट ही सब लोग फोकस कर रहे हैं ये डेवलपमेंट के ऊपर या फिर सबके ऊपर ना, तो मैं चाहती हूँ कि आपका इसमें क्या राय है आपका, मैं ये जानना चाहती हूँ। हाँ, सही, आपने सही बात कहा है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी अभी 7 साल क्रॉस हो गया, तो इसके तहत 7 साल के अंदर में मैंने देखा है बहुत से डेवलपमेंट लिया है, और डेवलपमेंट का सिर्फ डेवलपमेंट बोल के नहीं, बहुत नया नया न्यू इनोवेटिव आइडिया के तौर पे काफ़ी काम कर रहे हैं, हमें साथ में काम करके बहुत खुश हो रहे हैं। और इसमें ऐसे ऐसे काम किया पेमा खांडू सरकार, जैसे हमें पेमा खांडू साहब ने टीम पेमा खांडू बोल के हमारा अरुणाचल का टीम नाम रखा है, इसके अंदर सारा लोग जितना MLA मिनिस्टर साहब भी काम करके खुश होता है और हमें बहुत खुश है।
और ऐसे ऐसे काम किया, इनोवेटिव आइडिया, मतलब बहुत नए नए स्कीम जो बने, जैसे अभी जिला टेनल को भी सोचा नहीं था कि ये इस तरह का टेनल जिला जैसे जगह में पहुँचेगा। और जैसे अब अरुणाचल प्रदेश में जैसे आपका इटानोर जैसे को भी आप लोग ने सोचा नहीं होगा, एक इसमें आपका मतलब हवाई अड्डा बन जाएगा और आज के बाद दिन आज के दिन में दिल्ली एक दिन में मतलब एक दो तीन घंटे में पहुंच जाएगा, को भी सोचा नहीं था। ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडिया बहुत काम किया। इसके अलावा भी हमने देखा मतलब आपका क्या है ये बहुत कुछ चीज़ ऐसे ऐसे नए इनोवेटिव आइडिया किया है जो हमें देख के बहुत अच्छा लगता है काम करने का। और जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर युवा ये आपका देश के अंदर सबसे युवा एक मुख्यमंत्री है, इसके चलते वो काफ़ी नाम भी कमाया अरुणाचल में। जैसे आप एग्जांपल देखा होगा जीएसटी में भी अभी सारा और सारे देश के अंदर में अरुणाचल फर्स्ट जीएसटी आपका ये रिकॉर्ड हुआ है। ये भी एक इनोवेटिव तरफ से और इसका टीम अरुणाचल का नाम से तो जान के काफ़ी सक्सेस हो रहा है, मुझे ये सब भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मेरा तीसरा सवाल आपसे यही है कि आपका जो खलाकतांग है जो भूटान के बॉर्डर पर आता है, उन्हें हमने हमेशा सुना है लोगों से कि वो बेहद खूबसूरत है और सब इतना तारीफ करते हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप फ्यूचर में वहाँ पे कुछ टूरिज्म को लेके बढ़ावा देना चाहते हैं या फिर उधर में डेवलपमेंट एक्सपोजर करना चाहते हैं उसका। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। ये रियली हमारा एक कलकत्ता फाइव कलकत्ता कॉन्स्टिट्यूंसी एक से जगह में स्थापित है जो ट्राई जंक्शन है, वहाँ में एक तरफ असम है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ हमारा फाइव कलकत्ता शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसमें काफ़ी टूरिज्म फ्लो होता है। तो ये देख के हमें भी दिल में काफ़ी एक कोशिश है, प्लानिंग है कि टूरिज्म को अच्छा से फ्लो करे, उसमें से हमारा यूथ लुक भी काम आ जाए और साथ में टूरिज्म अभी जैसे भी हमारा अरुणाचल प्रदेश का ये टूरिज्म मिनिस्टर है, वो हमें एक दिन बताया कि ये टूरिज्म के बारे में स्कीम काफ़ी डाला हुआ है, राइट फ्रॉम बालीमुथु भूटान बॉर्डर से लेके आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी कलकत्ता, फिर वहाँ से आपका ये शेरगांव जीगांव रूपा वहाँ से लेके मंडला टॉप तक का एक बहुत बड़ा स्कीम अच्छा प्लानिंग किया है। उसके तहत हमें उससे काफ़ी युवाओं को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, ये सब में बहुत का मतलब आएगा, प्लानिंग ये है। अच्छा सर, सुन के तो लग रहा है कि खलाकतांग फ्यूचर में बहुत ही कुछ हासिल करने वाला है। वैसे तो मैंने कभी विजिट नहीं किया, पर आपके टूरिज्म में आने के बाद मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो आज के युवा है, यूथ और अपकमिंग जो अभी जो बढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, आप उनको कौन से तरह की डेवलपमेंट का रास्ता दिखाना चाहते हैं या फिर कौन सा सीख देना चाहते हैं अपनी तरफ से? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, आज के दिन में युवा का ऊपर में बहुत ही महत्वपूर्ण दे रहा है, जैसे हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री है और हमारा स्टेट का अरुणाचल प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद भी युवा है और सारा यूथ वालों को बहुत बढ़ावा दे रहा है, जैसे खेल कूद में बोलो सब कुछ में आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास करके मैंने देखा ये जो अभी यूथ वालों के लिए स्पेशली हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर है उसने एक ऐसा चीज़ किया है, जैसे आपका आपका ये स्कीम एक तो है ये कि दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय स्कीम जो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें युवाओं के लिए खास करके जो क्वालिफाइड लड़का लड़की जो स्टूडेंट्स लोग हैं जो क्वालिफाइड करके पढ़ कर जो जॉब नहीं मिला, इन लोग के लिए बहुत अच्छा एक रास्ता दिखाया, क्योंकि इसमें दीनदयाल उपाध्याय स्कीम में ऐसे ऐसे चीज़ है जो लड़का जैसे अपना स्किल के मुताबिक जो करना चाहता है, जैसे आपका कोई आपका होम स्टे खोलना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है, इवन कोई गैरेज खोलना चाहता है, कोई टेलरिंग खोलना चाहता है, सब्सिडी दिया गया इसके अंदर में। उसमें जो लड़का आपका जो जॉब में नहीं है इन लोग के लिए ये सब दिया गया है, ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत अच्छा लगा स्कीम। थैंक यू सर, ये स्कीम तो वाकई में बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल के अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी वैसे। इसी के साथ मैं सर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे सुदर्शन न्यूज़ पे अपना टाइम दिया। थैंक यू सर। थैंक यू।